వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स को लेकर के प्रशासनिक बैठक रखी गई थी कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में. इसमें दरगाह से संबंधित तमाम पक्षों ने पार्टिसिपेट किया है. जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 10 महीनों से 12 महीने के करीब होने जा रहे हैं कि देश में और दुनिया में क्या हालात हैं. कोविड-19 की वजह से तमाम तरह के इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है अपने नागरिकों को बचाने के लिए. तो जैसी व्यवस्थाएँ पहले होती थी वैसी तो पॉसिबल नहीं है. तो इस बार मीटिंग में भी फिलहाल यही तय किया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे अल्लाह ने चाहा अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट की आती है तो सब चीज़ अच्छा रहेगा. तो हम उर्स होंगे लेकिन उर्स में रसूमात होंगी लेकिन पहले जैसे हालात नहीं होंगे. हम तमाम ज़ायरीन ख्वाजा से गरीब नवाज की बारगाह में जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनसे हम तो यही अपील करते हैं कि आप कम से कम लोग आएँ और अगर आते भी हैं तो कम से कम अपने घर के बच्चों को और बूढ़ों को ना लाएँ और कोशिश करें कि अगर उड़ते भी कम आएँ आएँ इस हिसाब से आएँ कि यहाँ ज़ियारत करें और चले जाएँ. क्योंकि पहले जैसे हालात हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम भीड़ हो क्योंकि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन उसकी पालना करना भी बहुत ज़रूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है. इसलिए गरीब नवाज की बारगाह से दीवान साहब सज्जादा नशीन साहब के ऑफिस से मैं उनका जानशीन होने की ऐसे से तमाम आशिकाने गरीब नवाज से अपील करता हूँ कि अपना जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनाएं कि हमें इस वबा से भी बच के रहना है अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है. तो यहाँ पर कम से कम हम कोशिश करते हैं कि यहाँ कम से कम भीड़ हो. रसूमात जैसे गरीब नवाज की बारगाह में होती थी उर्स की वो तकरीबात सारी होंगी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भीड़ कम से कम इकट्ठी हो. इसलिए आप लोग जो भी ज़ायरीन गरीब नवाज आ रहे हैं हिंदुस्तान से कोने कोने से वो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाएं कि वो कम से कम आएँ. घर के एक ही अफराद आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है. ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है. कम से कम लोग तशरीफ लाएं यहाँ पर.